शादी है तुम्हारे ध्यान कहा है तुम्हारा मुझे मेरी औकात याद करवानी पड़ी काशी सब कुछ पहले कहा नाश्ता शुरू कर दू मुझे अपनी बहन मानो उनके घर वाले लड़के को कभी नहीं बख्शते ये जो लड़कियाँ घर से भाग कर शादी करती है के साथ मिलके आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला आप लोगों को एहसास भी है कि मुझ पे क्या से अपनी जिंदगी से मेरा शोहर कौन है क्या करता है उसके वालदैन कौन है मुझे कुछ नहीं बस शायद वो एक एक धोखेबाज और झूठा इंसान है उसके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाला क़िस्त के बारे में न सिर्फ आने वाला क़िस्त के बारे में बल्कि आने वाली स्टोरी में भी कि क्या कुछ मज़ीद देखने को मिलेगा नसरीन यास्मीन के सोनिया को थप्पड़ मारकर हमजा को बेजत करके जाने के बाद हमज़ा सुनिया से नाराज़ हो जाएगा और उससे कहेगा कि मेरी इजाज़त के बगैर आप वहाँ क्यों गई थी जिस पर सुनिया उसे कहेगी कि, कि मैं तो इसलिए गई थी कि कल तो हमने फोपो को झूठ बोल दिया था कि बाइक ख़राब है अगर अगले दिन वो सवाल करती तो फिर हम उसे क्या कहते इसलिए मैं वहाँ कुछ और मांगने नहीं गई थी बल्कि उसने जो हमारा नुकसान किया था वही मांगने गई थी और नुकसान उनको पूरा करना पड़ेगा अगर आज हम अगर आज हम खामोश रहे तो अगले दिन ये फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा दूसरी जानब जुगनू का लम्हा ब लम्हा मज़ीद तबीयत बिगड़ती जाएगी और शेरी इस बात को बखूबी नोट कर चुकी है कि इस शादी से जुगनू हरगिज खुश नहीं इसलिए बार बार शेर ही जुगनू को समझाने का कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि, कि आप अपने दिल से ये खौफ डर और यहाँ की तमाम ख्यालात निकाल दीजिए आपकी शादी होने जा रही है अगर आप ऐसे रही तो आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी और सारी ज़िंदगी मुसीबत में गुजरेगी आपकी जिस पर जुगनू उसे कहेगी कि आप पहले कहाँ गई थी ये बातें आपने पहले क्यों नहीं समझाए शेरी उसे कहेगी कि मैं तो शुरुदिन से आपको राहरास पर लाना चाहती थी मुझे पता था कि हमजा के साथ आपका ज़्यादा आना जाना और मिलना जुलना अच्छा नहीं था मैं तो आपको हमेशा मना करती रही कि हमजा के घर ना जाए लेकिन आप मेरे एक भी नहीं मानती और उल्टा मुझे बुरा भला कहती अपने इस ग़लती पर जुगनू को एहसास हो जाएगा और अपने दिल की तमाम हालात शेरी को बता देगी और कहेगी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं कैसे खुरम के साथ शादी करूं हमज़ा मेरे दिल से नहीं निकल रहा अगर मैं शादी करके चली भी जाऊं तो भी मुझे नहीं पता कि वहां क्या होगा मुझे अपने दिल काबू नहीं है दूसरी जानब तिमूर का अब यही कोशिश होगा कि हमजा किसी भी सूरत उसके हाथ आ जाए और वो उसको मार कर सोनिया को बेवा करके उसके साथ शादी करके ज़िंदगी भर उसको इस बात का सजा सजा दे सके कि सोनिया ने तिमूर के साथ मंगनी करके शादी हमजा के साथ भाग कर किया है उधर मारिया अपनी वालदा को इस बात पर डांटती रही कि आप क्यों सोनिया के घर गई थी अगर आपने उसके साथ रिश्ता ख़त्म किया है तो बार बार उसके घर जाकर उसको मज़ीद अजियत क्यों दे रही हो जिस पर सोनिया जिस पर यास्मीन और मारिया के बीच तलख कलामी हो जाएगी और मारिया उसे कहेगी कि आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है अगर उसने अपनी पसंद की शादी कर भी ली आपने उसको अपने घर से बेदखल किया है तो अब मजीद उसके ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रही हो जिस पर यास्मीन कहेगी कि क्यों मेरे जानने वालों के पास जाकर वो हाथ पिलाती रहती है मारिया के साथ ज़्यादा महमारी करने के बाद मारिया उसे मारिया से कहेगी कि तुम भी जाओ यहाँ से दफा हो जाओ सोनिया की तरह किसी सड़क चाप के साथ शादी करके किसी छोटे से मोहल्ले में झोपड़ी में ज़िंदगी गुजारने धक्के देते हुए मारिया को घर से निकालने का कोशिश करेगी कि अचानक आसिफ आएगा और वह मारिया को पकड़ लेगा यास्मीन का ये रवैया देखने के बाद आसिफ भी मज़ीद परेशान हो जाएगा और यास्मीन को छोड़कर अपनी बेटी को हाथ से पकड़ कर घर छोड़ कर जाने का ज़िद करेगा दूसरी जानबी जुगनू की शादी की तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएगी निकाह का तकरीब शुरू हो जाएगा निकाह में तमाम रिश्तेदार शरीक हो जाएंगे तकरीब के दौरान जब मौलवी जुगनू से सवाल करेगा कि क्या आपको खुरम के साथ ये निकाह कबूल है जिस पर जुगनू कहेगी कि नहीं मुझे निकाह कबूल नहीं है सब के सब हैरान और परेशान हो जाएंगे जुगनू वहाँ से उठकर हमजा का हाथ पकड़ कर तकर तकरीब से निकलने लग जाएगी ये मंजर देखकर सोनिया भी हैरान रह जाएगी हमजा जुगनू को डांटता रहेगा कि क्या हो गया तुम्हें ये क्या कर रही हो लेकिन जुगनू अपने जिद से नहीं हटेगी और कहेगी कि बचपन से सिर्फ तुम्हें तो चाहा है शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ मैं तुम्हें यूँ सोनिया के घर वालों के हाथों मरने नहीं दे सकती अगर मुझे ऐसा लगता कि आप सोनिया के साथ खुशी ख़ुशी ज़िंदगी गुजार सकती हो तो मैं सब कुछ अपने दिल में आपके लिए फीलिंग दफना कर खुशी ख़ुशी खुरम के साथ शादी करके हमेशा के लिए इस घर से चली जाती लेकिन ऐसे होने वाला नहीं क्योंकि सोनिया के घर वाले और ती मोर आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे और आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे दूसरी जानब हमजा की पपी भी ये बात तस्लीम कर लेगी और वो भी हमजा को यही कहती रहेगी कि तुम सोनिया को इसके वालदा के घर वापस छोड़ दीजिए इसकी वालदा के आँखों में मैंने इंतकाम का आग देखा है वो कभी आपको माफ़ नहीं करेगा और मैं आपको नहीं खो सकती हमज़ा उसको दिलासा देते हुए कहेगा कि आप फ़िक्र ना करें हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता नाज़्र आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले अकसाद के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिलेगा कहानी किस जानी पड़ेगी नाजीन आने वाले क़स्त में देखेंगे कि जुगनू की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती रहेगी और हर वक़्त रोती रहेगी जैसे जैसे शादी के तारीख़ करीब आते रहेंगे तो उसकी हालत मज़ीद बिगड़ती रहेगी शेरी को बखूबी अंदाज़ा होगा कि जुगनू की इस कैफियत के पीछे क्या वजह है इसलिए वो बार बार जुगनू को समझाती रहेगी कि आप अपने दिल से ये तमाम ख्याल निकाल दें और आप अपनी शादी पर फोकस करें जो कुछ भी आपके दिल में है ये सब यहाँ पर छोड़ दीजिए अगर आप ऐसी रही कहीं से भी नहीं लग रहा कि आप दुल्हनों और आपकी शादी होने वाली है अगर आपकी कैफियत ऐसी रही तो सबको अजीब व गरीब ख्याल आते रहेंगे जिस पर जुगनू कहेगी कि आपने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं समझाए क्योंकि शेरी को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जुगनू के दिल में क्या कुछ चल रहा है जुगनू मजीद भी अपने दिल का हाल शेरी को बयान कर देगी क्योंकि अब उसको शेरी पर अतमाद होगा कि वो जुगनू का बुरा नहीं भलाई चाहती है दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सोनिया की वालदा के जाने के बाद हमजा सोनिया से नाराज़ हो जाएगा और सोनिया उसको मनाने का कोशिश करेगी और कहेगी कि मैंने ये कदम इसलिए उठाया कि पहले दिन तो हमने पोपो पो से झूठ बोल दिया कि बाइक ख़राब हो गया और आपने मैकेनिक को दिया है अगले दिन आप पोपो से क्या झूठ बोलती और ये था भी ज़रूरी कि तैमूर को हम दिखा सकें कि हम उससे डरने वाले नहीं अगर आज हम उसको इस तरह माफ़ करते या उसको कुछ ना कहते तो अगले दिन फिर वो इस तरह हमारा रास्ता रोकता और हमारे साथ बदतमीज़ी करता उसको सबक सिखाना ज़रूरी था बिलाखिर हमज़ा सोनिया से राजी हो जाएगा उन दोनों के बीच नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी यासमिन घर पहुँचती ही वहाँ पर भी हंगामा शुरू करेगी मारिया अपने वालदा से कहेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी सोनिया के घर जाकर उसकी ज़िंदगी में पहले ही काफ़ी सारे मसाइल है अगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया है तो मज़ीद उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों बढ़ा रही हो और क्यों बार बार उसके पास जा रही हो इस बात पर यास्मीन को शदीद वुस्सा आएगा और मारिया को धक्के देकर घर से निकालने का कोशिश करेगी और कहेगी कि तुम्हें इतना अफसोस है तो चली जा तुम भी सोनिया के तरह किसी सड़क चाप के साथ शादी करके झोपड़ी में रहने लग जाए उसी दौरान आसिफ आएगा और वो ये हालत देखेगा कि यासमी मारिया को धक्के देकर घर से निकालने का कोशिश कर रही इस बात पर आसिफ को भी शदीद गुस्सा आ जाएगा और यासमिन से कहेगा कि अगर आपने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तुम्हें मैं अपनी बेटी को लेकर यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात पर यास्मीन को मज़ीद गुस्सा आ जाएगा दूसरी जानब अगर देखा जाए तो तीम भी आने वाला दिनों के लिए नया प्लान शुरू करेगा और हमज़ा को किसी भी सूरत माफ नहीं करेगा उसका अब यही कोशिश होगा कि किसी तरीके से भी हमज़ा उसके हाथ लगे तो वो सोनिया को छोड़ कर हमजा को जान से मारेगा और उसके बाद सोनिया के साथ शादी करेगा शादी करके ज़िंदगी भर सुनिया को इस बात का सज़ा देता रहेगा कि उसने क्यों तिमूर के साथ मंगनी करने के बाद भाग कर हमजा के साथ शादी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाला किस्त के बारे में न सिर्फ आने वाला किस्त के बारे में बल्कि आने वाली स्टोरी में भी कि क्या कुछ मज़ीद देखने को मिलेगा नसरीन यास्मीन के सुनिया को थप्पड़ मार कर हमजा को बेज़त करके जाने के बाद हमजा सुनिया से नाराज़ हो जाएगा और उससे कहेगा कि मेरी इजाज़त के बगैर आप वहाँ क्यों गई थी जिस पर सुनिया उसे कहेगी कि, कि मैं तो इसलिए गई थी कि कल तो हमने फोपो को चोट बोल दिया था कि बाइक ख़राब है अगर अगले दिन वो सवाल करती तो फिर हम उसे क्या कहते इसलिए मैं वहाँ कुछ और मांगने नहीं गई थी बल्कि उसने जो हमारा नुकसान किया था वही मांगने गई थी और नुक़सान उनको पूरा करना पड़ेगा अगर आज हम अगर आज हम खामोश रहे तो अगले दिन ये फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा हमारा रास्ता रोकता और हमारे साथ बदतमीज़ी करता उसको सबक सिखाना ज़रूरी था बिलाखिर हमजा सोनिया से राजी हो जाएगा उन दोनों के बीच नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी यासमान घर पहुंचती ही वहाँ पर भी हंगामा शुरू करेगी मारिया अपने वालदा से कहेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी सोनिया के घर जाकर उसकी ज़िंदगी में पहले ही काफ़ी सारे मसाइल है अगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया है तो मजीद उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों बढ़ा रही हो और क्यों बार बार उसके पास जा रही हो इस बात पर यासमीन को शुस्सा आएगा और मारिया को धक्के देकर घर से निकालने का कोशिश करेगी और कहेगी कि तुम्हें इतना अफसोस है तो चली जा तुम भी सोनिया के तरह किसी सड़क चाप के साथ शादी करके झोपड़ी में रहने लग जाए उसी दौरान आसिफ आएगा और वो ये हालत देखेगा कि यास्मीन मारिया को धक्के देकर घर से निकालने का कोशिश कर रही इस बात पर आसिफ को भी शदीद गुस्सा आ जाएगा और यासमीन से कहेगा कि अगर आपने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो मैं अपनी बेटी को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात पर यास्मीन को मज़ीद गुस्सा आ जाएगा दूसरी जानब अगर देखा जाए तो तीम भी आने वाला दिनों के लिए नया प्लान शुरू करेगा और हमज़ा को किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेगा उसका अब यही कोशिश होगा कि किसी तरीके से भी हमज़ा उसके हाथ लगे तो वो सुनिया को छोड़कर हमजा को जान से मारेगा और उसके बाद सुनिया के साथ शादी करेगा शादी करके ज़िंदगी भर सुनिया को इस बात का सज़ा देता रहेगा कि उसने क्यों तिमूर के साथ मंगनी करने के बाद भागकर हमजा के साथ शादी दूसरी जानब जुगनू का लम्हा बल्हा मजीद तबीयत बिगड़ती जाएगी और शेरी इस बात को बखूबी नोट कर चुकी है कि इस शादी से जुगनू हरगिज खुश नहीं इसलिए बार बार शेर ही जुगनू को समझाने का कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि, कि आप अपने दिल से ये खौफ डर और यहाँ की तमाम ख़्याल निकाल दीजिए आपकी शादी होनी जा रही है अगर आप ऐसे रही तो आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी और सारे ज़िंदगी मुसीबत में गुजरेगी आपकी जिस पर जुगनू उसे कहेगी कि आप पहले कहाँ गई थी ये बातें आपने पहले क्यों नहीं समझाए नासिर नाजर आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले अकसाद के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिलेगा कहानी किस जानी पड़ेगी नाजरीन ना आने वाला किस्त में देखेंगे कि जुगनू की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती रहेगी और हर वक्त रोती रहेगी जैसे जैसे शादी के तारीख़ करीब आते रहेंगे तो उसकी हालत मज़द बिगाड़ती रहेगी शेरु श्रीक को बखूबी अंदाज़ा होगा कि जुगनू के इस कैफियत के पीछे क्या वजह है इसलिए वो बार बार जुगनू को समझाती रहेगी कि आप अपने दिल से ये तमाम ख्यालात निकाल दें और आप अपनी शादी पर फोकस करें जो कुछ भी आपके दिल में है ये सब यहाँ पर छोड़ दीजिए अगर आप ऐसी रही कहीं से भी नहीं लग रहा कि आप दुल्हनों और आपकी शादी होने वाली है अगर आपकी कैफियत ऐसी रही तो सबको अजीब व गरीब ख़्याल आते रहेंगे जिस पर जुगनू कहेगी कि आपने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं समझाए क्योंकि शेरी को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जुगनू के दिल में क्या कुछ चल रहा है जुगनू मजीद भी अपने दिल का हाल शे को बयान कर देगी क्योंकि अब उसको शेरी पर अतमाद होगा कि वो जुगनू का बुरा नहीं भलाई चाहती है दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सोनिया की वालदा के जाने के बाद हमजा सोनिया से नाराज़ हो जाएगा और सोनिया उसको मनाने का कोशिश करेगी और कहेगी कि मैंने ये कदम इसलिए उठाया कि पहले दिन तो हमने पोपो पो से झूठ बोल दिया कि बाइक ख़राब हो गया और आपने मैकेनिक को दिया है अगले दिन आप पोप्पो से क्या झूठ बोलती और ये था भी ज़रूरी कि तैमूर को हम दिखा सकें कि हम उससे डरने वाले नहीं अगर आज हम उसको इस तरह माफ़ करते या उसको कुछ ना कहते तो अगले दिन फिर वो इस तरह शेरी उसे कहेगी कि मैं तो शेरोदिन से आपको राहरास पर लाना चाहती थी मुझे पता था कि हमजा के साथ आपका ज़्यादा आना जाना और मिलना जुलना अच्छा नहीं था मैं तो आपको हमेशा मना करती रही कि हमजा के घर ना जाए लेकिन आप मेरे एक भी नहीं मानती और उल्टा मुझे बुरा भला कहती अपनी इस गलती पर जुगनू को एहसास हो जाएगा और अपने दिल की तमाम हालात तो शेरी को बता देगी और कहेगी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं कैसे खुरम के साथ शादी करूं हमज़ा मेरे दिल से नहीं निकल रहा अगर मैं शादी करके चली भी जाऊं तो भी मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या होगा मुझे अपने दिल पर क़बू नहीं है दूसरी जानेब तिमोर का अब यही कोशिश होगा कि हमजा किसी भी सूरत उसके हाथ आ जाए और वो उसको मार कर सोनिया को बेवा करके उसके साथ शादी करके ज़िंदगी भर उसको इस बात का सज़ा सोनिया की तरह किसी सड़क चाप के साथ शादी करके किसी छोटे से मोहल्ले में झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजारने धक्के देते हुए मारिया को घर से निकालने का कोशिश करेगी कि अचानक आसिफ आएगा और वो मारिया को पकड़ लेगा यासमीन का ये रवैया देखने के बाद आसिफ भी मज़ीद परेशान हो जाएगा और यासमिन को छोड़कर अपनी बेटी को हाथ से पकड़ कर वो भी घर छोड़ जाने का ज़िद करेगा दूसरी जानबी जुगनू की शादी की तैयारियां मुकम्मल हो जाएगी निकाह का तकरीब शुरू हो जाएगा निकाह में तमाम रिश्तेदार शरीक हो जाएंगे तकरीब के दौरान जब मौलवी जुगनू से सवाल करेगा कि क्या आपको खुरम के साथ ये निका कबूल है जिस पर जुगनू कहेगी कि नहीं मुझे ये निका कबूल नहीं है सब के सब हैरान और परेशान हो जाएंगे जुगनू वहाँ से उठकर हमजा का हाथ पकड़ कर तकर तकरीब से निकलने लग जाएगी ये मंजर देखकर सोनिया भी हैरान रह जाएगी हमजा जुगनू को डांटता रहेगा कि क्या हो गया तुम्हें ये क्या कर रही हो लेकिन जुगनू अपने जिद से नहीं हटी की और कही कि और कहेगी कि बचपन से सिर्फ तुम्हें चाहा है शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ मैं तुम्हें यू सोनिया के घर वालों के हाथों मरने नहीं दे सकती अगर मुझे ऐसा लगता कि आप सोनिया के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती हो तो मैं सब कुछ अपने दिल में आपके लिए फ़ीलिंग दफना कर खुशी-खुशी खुरम के साथ शादी करके हमेशा के लिए इस घर से चली जाती लेकिन ऐसे होने वाला नहीं क्योंकि सोनिया के घर वाले और मोर आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे और आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे दूसरी जानब हमजा की पपी भी ये बात तस्लिम कर लेगी और वो भी हमजा को सजा दे सके कि सोनिया ने तिमूर के साथ मंगनी करके शादी हमजा के साथ भाग कर किया है उधर अमारिया अपनी वालदा को इस बात पर डाँटती रही कि आप क्यों सोनिया के घर गई थी अगर आपने उसके साथ रिश्ता ख़त्म किया है तो बार बार उसके घर जाकर उसको मज़ीद अजियत क्यों दे रही हो जिस पर सोनिया जिस पर यास्मीन और मारिया के बीच तलख कलामी हो जाएगी और मारिया उसे कहेगी कि आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है अगर उसने अपनी पसंद की शादी कर भी ली आपने उसको अपने घर से बेदखल किया है तो अब मज़ीद उसके ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रही हो जिस पर यास्मीन कहेगी कि क्यों मेरे जानने वालों के पास जाकर वो हाथ पिलाती रहती है मारिया के साथ ज़्यादा मुमारी करने के बाद मारिया उसे मारिया से कहेगी कि तुम भी जाओ यहाँ से दफा हो जाओ हमारा रास्ता रोकता और हमारे साथ बदतमीज़ी करता उसको सबक सिखाना ज़रूरी था बल आखिर हमजा सोनिया से राजी हो जाएगा उन दोनों के बीच नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी यास्मीन घर पहुँचती ही वहाँ पर भी हंगामा शुरू करेगी मारिया अपने वालदा से कहेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी सोनिया के घर जाकर उसकी ज़िंदगी में पहले ही काफ़ी सारे मसाइल है अगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया है तो मजीद उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों बढ़ा रही हो और क्यों बार बार उसके पास जा रही हो इस बात पर यास्मीन को शदीद गुस्सा आएगा और मारिया को धक्के देकर घर से निकालने का कोशिश करेगी और कहेगी कि तुम्हें इतना अफसोस है तो चले जा तुम भी सोनिया के तरह किसी सड़क चाप के साथ शादी करके झोपड़ी में रहने लग जाए उसी दौरान आसिफ आएगा और वो ये हालत देखेगा कि यासमी मारिया को धक्के देकर घर से निकालने का कोशिश कर रही इस बात पर आसिफ को भी शद गुस्सा आ जाएगा और यासमीन से कहेगा कि अगर आपने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तुम्हें मैं अपनी बेटी को लेकर यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात पर यास्मीन को मज़ीद गुस्सा आ जाएगा दूसरी जानब अगर देखा जाए तो तैमूर भी आने वाले दिनों के लिए नया प्लान शुरू करेगा और हमजा को किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेगा उसका अब यही कोशिश होगा कि किसी तरीके से भी हमज़ा उसके हाथ लगे तो वो सोनिया को छोड़कर हमजा को जान से मारेगा और उसके बाद सोनिया के साथ शादी करेगा शादी करके ज़िंदगी भर सोनिया को इस बात का सज़ा देता रहेगा कि उसने क्यों तिमूर के साथ मंगनी करने के बाद भागकर हमजा के साथ शादी कर... सज़ा दे सके कि सोनिया ने तिमूर के साथ मंगनी करके शादी हमजा के साथ भाग कर किया उधर मारिया अपनी वालदा को इस बात पर डाँटती रही कि आप क्यों सोनिया के घर गई थी अगर आपने उसके साथ रिश्ता ख़त्म किया है तो बार बार उसके घर जाकर उसको मजीद अजियत क्यों दे रही हो जिस पर सोनिया जिस पर यास्मीन और मारिया के बीच तलख कलामी हो जाएगी और मारिया उससे कहेगी कि आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है अगर उसने अपनी पसंद की शादी कर भी ली आपने उसको अपने घर से बेदखल किया है तो अब मज़ीद उसके ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रही हो जिस पर यास्मीन कहेगी कि क्यों मेरे जानने वालों के पास जाकर वो हाथ पिलाती रहती है मारिया के साथ ज़्यादा मुमारी करने के बाद मारिया उसे मारिया से कहेगी कि तुम भी जाओ यहाँ से दफा हो जाओ सोनिया की तरह किसी सड़क चाप के साथ शादी करके किसी छोटे से मोहल्ले में झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजारने धक्के देते हुए मारिया को घर से निकालने का कोशिश करेगी कि अचानक आसिफ आएगा और वह मारिया को पकड़ लेगा यास्मीन का ये रवैया देखने के बाद आसिफ भी मज़ीद परेशान हो जाएगा और यास्मीन को छोड़कर अपनी बेटी को हाथ से पकड़कर रोबी वो भी घर छोड़कर जाने का ज़िद करेगा दूसरी जानबी जुगनू की शादी की तैयारियां मुकम्मल हो जाएगी निकाह का तकरीब शुरू हो जाएगा निकाह में तमाम रिश्तेदार शरीक हो जाएंगे तकरीब के दौरान जब मौलवी जुगनू से सवाल करेगा कि क्या आपको खुरम के साथ ये निकाह कबूल है जिस पर जुगनू कहेगी कि नहीं मुझे ये निकाह कबूल नहीं है सब के सब हैरान और परेशान हो जाएंगे जुगनू वहाँ से उठकर कर हमजा का हाथ पकड़ कर तकरीब से निकलने लग जाएगी ये मंजर देखकर सोनिया भी हैरान रह जाएगी हमजा जुगनू को डांटता रहेगा कि क्या हो गया तुम्हें ये क्या कर रही हो लेकिन जुगनू अपने जिद से नहीं हटेगी और कहेगी कि बचपन से सिर्फ तुम्हें चाहा है शादी करूँगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ मैं तुम्हें यू सोनिया के घर वालों के हाथों मरने नहीं दे सकती अगर मुझे ऐसा लगता कि आप सोनिया के साथ खुशी ख़ुशी ज़िंदगी गुजार सकती हो तो मैं सब कुछ अपने दिल में आपके लिए फीलिंग दफना कर खुशी ख़ुशी खुरम के साथ शादी करके हमेशा के लिए इस घर से चली जाती लेकिन ऐसे होने वाला नहीं क्योंकि सोनिया के घर वाले और ती आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे और आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे दूसरी जानेब हमजा की पोपी भी ये बात तस्लीम कर लेगी और वो भी हमजा को ना सिरन आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाले अकसात के बारे में कि क्या कुछ देखने को मिलेगा कहानी किस जानी पड़ेगी ना सिरन आने वाला किस्त में देखेंगे कि जुगनों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती रहेगी और हर वक्त रोती रहेगी जैसे जैसे शादी के तारीख़ करीब आते रहेंगे तो उसकी हालत मज़ीद बिगड़ती रहेगी शिक को बखूबी अंदाज़ा होगा कि जुगनू की इस कैफियत के पीछे क्या वजह है इसलिए वो बार बार जुगनों को समझाती रहेगी कि आप अपने दिल से ये तमाम ख्यालात निकाल दें और आप अपनी शादी पर फोकस करें जो कुछ भी आपके दिल में है ये सब यहाँ पर छोड़ दीजिए अगर आप ऐसी रही कहीं से भी नहीं लग रहा कि आप दुल्हनों और आपकी शादी होने वाली है अगर आपकी कैफियत ऐसी रही तो सबको अजीब व ग़रीब ख़्यालत आते रहेंगे जिस पर जुगनू कहेगी कि आपने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं समझाए क्योंकि शेरी को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जुगनू के दिल में क्या कुछ चल रहा है जुगनू मजीद भी अपने दिल का हाल शीरी को बयान कर देगी क्योंकि अब उसको शीरी पर अतमाद होगा कि वो जुगनू का बुरा नहीं भलाई चाहती है दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सोनिया की वालदा के जाने के बाद हमजा सोनिया से नाराज़ हो जाएगा और सोनिया उसको मनाने का कोशिश करेगी और कहेगी कि मैंने ये कदम इस उठाया कि पहले दिन तो हमने पोपो पो से झूठ बोल दिया कि बाइक ख़राब हो गया और आपने मेकेनिक को दिया है अगले दिन आप पोपो से क्या झूठ बोलती और ये था भी ज़रूरी कि तैमूर को हम दिखा सके कि हम उससे डरने वाले नहीं अगर आज हम उसको इस तरह माफ़ करते या उसको कुछ ना कहते तो अगले दिन फिर वो इस तरह शेरी उसे कहेगी कि मैं तो शेरुदीन से आपको राहरास पर लाना चाहती थी मुझे पता था कि हमजा के साथ आपका ज़्यादा आना जाना और मिलना जुलना अच्छा नहीं था मैं तो आपको हमेशा मना करती रही कि हमजा के घर ना जाए लेकिन आप मेरे एक भी नहीं मानती और उल्टा मुझे बुरा भला कहती अपनी इस गलती पर झुगनू को एहसास हो जाएगा और अपने दिल की तमाम हालात तो शेरी को बता देगी और कहेगी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं कैसे खुरम के साथ शादी करूं हमज़ा मेरे दिल से नहीं निकल रहा अगर मैं शादी करके चली भी जाऊं तो भी मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या होगा मुझे अपने दिल पर परू नहीं है दूसरी जानेब तेमोर का अब यही कोशिश होगा कि हमजा किसी भी सूरत उसके हाथ आ जाए और वो उसको मार कर सोनिया को बेवा करके उसके साथ शादी करके ज़िंदगी भर उसको इस बात का सज़ा नाजरीन ना आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाला किस्त के बारे में क्या कुछ देखने को मिलेगा आगे स्टोरी किस जाने बढ़ेगी सब जान लीजिए इस वीडियो में नाजरीन जैसे कि यास्मीन हमजा के घर जाकर सोनिया को न सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि हमजा को भी खूब सुनाकर उसके जाने के बाद हमजा सोनिया से शीद नाराज़ हो जाएगा सोनिया हमजानों हमजा को मनाने का कोशिश करेगी और कहेगी कि ये ज़रूरी था तिमूर के पास जाना उसको सबक सिखाना वरना अगले दिन वो फिर हमारा इस तरह रास्ता रोक कर हमारे साथ बदतमीज़ी करता दूसरी जानब ये भी ज़रूरी था कि कल तो हमने पोप्पू से जूठ बोल कर कहा कि बाइक ख़राब है और मैकेनिक के पास है अगले दिन अगर वो सवाल करती तो हम उसे क्या जवाब देते वैसे भी उसने कितने मेहनत से पैसे जमा करके आपको बाइक दिलाया था इसी तरह मैं आपकी मेहनत की कमाई किसी को हड़पने नहीं दूंगी। बल सोनिया सुनिया हमजा को मनाने में कामयाब हो जाएगी जुगनों की शादी की तैयारियां भी चलती रहेगी अगले दिन निकाह के लिए दोनों तैयार होकर चले जाएंगे। निकाह के तकरीब में तमाम रिश्तेदार आ जाएंगे दूसरी जानब अगर बात किया जाए यासमीन की तो सोनिया का क्लास लेने के बाद वो वापस घर जाकर शदीद ग़ुस्से में होगी उधर मारिया को पहले से ही पता होगा कि ये ज़रूर सोनिया के घर जाकर उसकी ज़िंदगी में इसने नई मुसीबतों मस, का रास्ता खोल दिया होगा यासमीन के वापस आने पर मारिया आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के आने वाला कस्त के बारे में क्या कुछ देखने को मिलेगा आगे स्टोरी किस जाने बढ़ेगी सब जान लीजिए इस वीडियो में नाजरीन जैसे कि यास्मीन हमजा के घर जाकर सोनिया को न सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि हमजा को भी खूब सनाकर उसके जाने के बाद हमजा सोनिया से शदीद नाराज़ हो जाएगा सोनिया हमजानो हमजा को मनाने का कोशिश करेगी और कहेगी कि ये ज़रूरी था तिमूर के पास जाना उसको सबक सिखाना वरना अगले दिन वो फिर हमारा इस तरह रास्ता रोक कर हमारे साथ बदतमीज़ी करता दूसरी जानब यह भी ज़रूरी था कि कल तो हमने पोप्पू से झूठ बोल कर कहा कि बाइक ख़राब है और मैकेनिक के पास है अगले दिन अगर वो सवाल करती तो हम उसे क्या जवाब देते वैसे भी उसने कितने मेहनत से पैसे जमा करके आपको बाइक दिलाया था इसी तरह मैं आपकी मेहनत की कमाई किसी को हड़पने नहीं दूंगी। बल सोनिया हमजा को मनाने में कामयाब हो जाएगी जुगनों की शादी की तैयारियां भी चलती रहेगी अगले दिन निकाह के लिए दोनों तैयार होकर चले जाएंगे। निकाह के तकरीब में तमाम रिश्तेदार आ जाएंगे दूसरी जानब अगर बात किया जाए यास्मीन की तो सोनिया का क्लास लेने के बाद वो वापस घर जाकर शदीद गु़स्से में होगी उधर मारिया को पहले से ही पता होगा कि ये ज़रूर